Now next one about operators in C. If you want to apply some arithmetic operations or logical operations, then you should go for operators. Means in C language के अंदर तो किसी भी type के operations perform करना like arithmetic operations, calculations, logical operations or relational operations or apply some condition or maybe filters. अगर किसी भी type के filters या conditions भी apply करना in by using conditional statement or looping statement, then इस case में use क्या करोगे always operators. अब किसी भी टाइप के अर्थमेटिक ऑपरेशन पर हम परफॉर्म करने का मीनिंग क्या है, जस्ट लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन लाइक दैट एंड सो ऑन. सेम एज लॉजिकल ऑपरेशन मींस लॉजिकल एंड ऑपरेशंस, लॉजिकल और ऑपरेशंस, और लाइक बिटवाइज ऑपरेशंस मींस बिट वैल्यू ऑपरेशंस और रिलेशनल ऑपरेशंस और लाइक कंपैरिजंस. किसी भी टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करना है और अगर आपके पास कोई नंबर ऑफ इनपुट्स अवेलेबल हैं, अगर इनपुट डेटा के लिए ऑपरेशन से अप्लाई करना है, तो इस केस में यूज क्या करो ऑलवेज ऑपरेटर्स. ऑपरेटर जस्ट थ्रू आउट सी लैंग्वेज आप यूज करोगे, मे बी इन पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्री प्रोसेसर्स, एवरी थिंग्स. विदाउट ऑपरेशन या विदाउट ऑपरेटर्स कोई भी लॉजिक्स इंप्लीमेंट करना पॉसिबल ही नहीं है. जस्ट मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ अबाउट ऑपरेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ अबाउट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, देन वन बाय वन सभी ऑपरेटर्स का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेंगे. आफ्टर दैट सम प्रैक्टिस एग्जांपल्स रिलेटेड टू ऑपरेटर्स. प्रैक्टिस एग्जांपल टू टाइप्स के होंगे, ऑब्जेक्टिव्स प्लस सब्जेक्टिव कैटेगरी वाइज. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय प्रॉपर्टीज. अगर डेफिनेशन वाइज बात करें, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स. एनीथिंग विच विल टेक्स सम ऑपरेंड्स, एनीथिंग विच विल टेक्स सम ऑपरेंड्स एंड बाय अप्लाइंग प्रायोरिटी और एसोसिएटिविटी रूल, एंड बाय अप्लाइंग प्रायोरिटी और एसोसिएटिविटी रूल producing some results, then these things can be considered as operators. इस अगर किसी भी things के respect में बात करें, any things which will takes some operands and it will follow priority or associativity rules. Priority or associativity rules को rules के basis पर अगर कोई भी result produce होता है exactly single results, then इस things को operator consider करना possible anything. Operators generally operators are represented in the form of symbolic representation. But some operators can be represented by using keywords like a size of. Size of is not a symbolic notation. Still this entity is considered as operator because it is one argument or one, it will takes only single operand, only operand one, plus it also follow priority rules. Operand one acceptor is iska type kya hua unary operator. It also follows associativity and priority rules, therefore size of is considered as operator, plus size of is also returns सिंगल रिजल्ट्स. डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स के रिस्पेक्ट में बात करें, सभी ऑपरेटर को यूज करने का पर्पज डिफरेंट होगा. एग्जैक्टली मे बी प्रायोरिटी मे बी डिफरेंट मे बी सेम, एसोसिएटिविटी मे बी डिफरेंट मे बी सेम, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ऑपरेंड मे बी डिफरेंट मे बी सेम. व्हाट इज मीन बाई ऑपरेंड्स, लाइक सम एक्सप्रेशन ए प्लस बी, हियर A and B is a operand. A or B को consider करेंगे as a operands. But plus is a operator. Plus क्या इसके इसमें operator. Next one about expressions. इस operator के respect में important thing क्या होगा about expressions. What is mean by expression? Expression is a combination of operators and operands. Expression is a combination of operator and operands, like a plus b multiplied by c
plus d something. This is called expressions. Expression क्या है? It is a combination or collection of operator and operands. अगर इस current expression की इसमें बात करें, total number of operands कितने हैं? There are 4 operands and there are 3 operators. Operators कितने? 3 operators and 4 operands. पर किसी भी ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन के अंदर एक सिंगल ऑपरेटर भी पॉसिबल है, मोर देन वन ऑपरेटर्स भी पॉसिबल है. सेम है, सिंगल ऑपरेंड भी पॉसिबल है, मोर देन वन ऑपरेंड्स भी पॉसिबल है. ऑपरेटर का टाइप कुछ हो सकता है, मे बी यूनरी ऑपरेटर, मे बी बाइनरी ऑपरेटर, मे बी टर्नरी ऑपरेटर्स. इन दैट केस सभी एक्सप्रेशन सॉल्व होने के बाद फाइनली प्रोड्यूस क्या करेंगे? ओनली सिंगल रिजल्ट्स, ओनली सिंगल रिजल्ट्स. अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज्यादा ऑपरेटर सॉल्व हो रहा है, मल्टीपल ऑपरेटर सॉल्व करोगे बेस्ड ऑन बाय फॉलोइंग प्रायोरिटी रूल्स. मीन्स सबसे पहले अप्लाई क्या होगा? प्रायोरिटी रूल्स. इफ एनी एक्सप्रेशन कंटेनिंग मोर देन वन ऑपरेटर्स विद डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटीज, देन इस केस में अप्लाई क्या होगा? प्रायोरिटी रूल्स. हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑपरेटर्स आर सॉल्व बिफोर लीस्ट प्रायोरिटी ऑपरेटर. सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑपरेटर सॉल्व करेंगे, देन लीस्ट प्रायोरिटी. थर्ड पॉसिबल केस क्या है? प्रायोरिटी मे बी सेम. इफ प्रायोरिटी सेम देन अप्लाई होगा एसोसिएटिविटी रूल. मींस सबसे पहले अप्लाई क्या करोगे? प्रायोरिटी रूल्स. प्रायोरिटी रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले सॉल्व होंगे हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑपरेटर्स, देन लीस्ट प्रायोरिटी ऑपरेटर्स. बट थर्ड पॉसिबल केस क्या है? मे बी प्रायोरिटी मे बी सेम. अगर एक से ज्यादा ऑपरेटर का प्रायोरिटी सेम है, देन अप्लाई करेंगे एसोसिएटिविटी रूल. एसोसिएटिविटी रूल के अकॉर्डिंग कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व होगा आइदर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट और राइट टू लेफ्ट. अगर प्रायोरिटी सेम है, देन ओनली एसोसिएटिविटी रूल अप्लाई करने की नीड होगी. अगर प्रायोरिटी डिफरेंट है, देन कभी भी आप एसोसिएटिविटी रूल फॉलो नहीं करोगे. क्लियर? नाउ नेक्स्ट केस में हाईलाइट करूं आपको लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटीज. पहले प्रायोरिटी टेबल क्रिएट कर रहा हूं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे ऑल ऑपरेटर्स वन बाई वन. प्रायोरिटी टेबल ऑफ द ऑपरेटर्स. प्रायोरिटी टेबल इन दैट केस जनरली थ्री टाइप्स के ऑपरेटर्स पॉसिबल है, यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स एंड टर्नरी ऑपरेटर. बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ऑपरेंड्स, ऑपरेटर्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज. जनरली ऑपरेंड्स के बेस पर ऑपरेटर थ्री टाइप्स के होंगे. फर्स्ट वन यूनरी ऑपरेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल यूनरी ऑपरेटर. अगर किसी ऑपरेटर को सॉल्व करें, एनी ऑपरेटर, एट द रेट मे बी एनी यूनरी ऑपरेटर. अगर किसी ऑपरेटर को सॉल्व करने के लिए ओनली सिंगल ऑपरेंड रिक्वायर्ड है, इफ एनी ऑपरेटर हैज रिक्वायर्ड ओनली वन ऑपरेंड, देन दिस ऑपरेटर विल नोन एज, इस केस में एट द रेट को कंसिडर करें एज अ यूनरी ऑपरेटर. सेम एज सम एग्जांपल्स लाइक अ प्लस प्लस एक्स. हियर प्लस प्लस इज एन ऑपरेटर बट एक्स इज अ ऑपरेंड. एम परसेंट ऑफ एक्स, अगेन हियर एम परसेंट इज एन ऑपरेटर, एक्स इज अ ऑपरेंड. सभी केसेस में, सभी केस में टाइप क्या है इसका? माइनस एक्स. लाइक दैट ऑल आर यूनरी ऑपरेटर बिकॉज सभी केसेस में नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ऑपरेंड्स कितने? ओनली वन ऑपरेंड्स. नेक्स्ट वन बाइनरी ऑपरेटर. इफ एनी ऑपरेटर हैज रिक्वायर्ड टू ऑपरेंड्स, देन दिस ऑपरेटर इज नोन एज बाइनरी ऑपरेटर और इट हैज रिक्वायर्ड टू ऑपरेंड्स लाइक a plus b. here plus is a operator, a and b is an operands. same as a equal equal b like that and so on. same as ternary operator. if any operator has required three operands, then this operator is known as ternary operator like a operand 1 question mark, operand 2 colon, operand 3. in this case this operator will be known as ternary operator, also known as conditional operator. now next one about priority table. priority table ke respect mein agar baat kare,
जनरली थ्री टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी टेकन बाय यूनरी, नेक्स्ट बाइनरी, नेक्स्ट टर्नरी। इस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सबसे पहले सॉल्व क्या होंगे, यूनरी ऑपरेटर्स, आफ्टर दैट बाइनरी ऑपरेटर्स, आफ्टर दैट टर्नरी ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर्स। लेकिन यूनरी एंड बाइनरी केस में कुछ एक्सेप्शनल रूल्स होंगे, मीन्स कुछ यूनरी ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में बात करें, लाइक डॉट इज एन बाइनरी ऑपरेटर, एरो इज एन बाइनरी ऑपरेटर, एरे इंडेक्स स्क्रिप्ट इज एन बाइनरी ऑपरेटर। इस केस में अगर टाइप्स की बात करूँ, टाइप्स के इनका बाइनरी ऑपरेटर, लेकिन फिर भी इनका प्रायोरिटी यूनरी ऑपरेटर से ज़्यादा, मीन्स इन तीनों ऑपरेटर का प्रायोरिटी सी लैंग्वेज के अंदर सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है। And this is exceptional rule. In that case, priority table, first one, highest priority taken by dot, arrow and skip. अगर मैं किसी ऑपरेटर को एक ही लाइन में इंप्लीमेंट करना शुरू करूँ, इसका मतलब कि इन दोनों ऑपरेटर का प्रायोरिटी कैसा, एग्जैक्टली सेम प्रायोरिटी। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हाइएस्ट प्रायोरिटी टेकन बाई यूनरी ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एम परसेंट, स्टार है। स्टार का मतलब क्या है, स्टार नो वे रिलेटेड टू मल्टीप्लीकेशन, इट इज नो वे रिलेटेड टू मल्टीप्लीकेशन। स्टार इज अ पॉइंटर, मीन्स डी रेफरेंस ऑपरेटर, जनरली आप यूज करो इन केस ऑफ पॉइंटर वेरिएबल्स। पॉइंटर के केस में जब स्टार यूज करें तो इसका टाइप क्या हो, इस केस में टोटल ऑपरेंड्स कितने यूज हुए, ओनली वन ऑपरेंड, देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड एज यूनरी ऑपरेटर, सेम एज एम परसेंट। एम परसेंट जनरली दोनों ही कैसे मिलेंगे, इन केस ऑफ बाइनरी और इन केस ऑफ यूनरी, लाइक ए एंड बी, बिटवाइस एंड, हियर एंड इज अ बाइनरी। लेकिन इस केस में बात करूँ यूनरी एंड, यूनरी एंड मीन्स सॉरी यूनरी एम परसेंट, इट यूज टू रिट्रीविंग एड्रेस ऑफ एनी वैल्यूज। अगर किसी वैल्यू का एड्रेस एक्सेस करना यूज क्या करेंगे, एम परसेंट ऑपरेटर। कुछ ऑपरेटर ऐसे होंगे जो यूनरी और बाइनरी दोनों ही लिस्ट में फाइंड आउट होंगे, प्लस एम परसेंट मल्टीप्लाई प्लस यूनरी प्लस लाइक अ प्लस फाइव प्लस टेन लाइक दैट, और माइनस फाइव माइनस टेन लाइक दैट। माइनस इज ऑल्सो यूनरी ऑपरेटर, मीन्स माइनस ऑपरेटर यूनरी लिस्ट में भी फाउंड आउट होगा। बाइनरी सम ऑपरेटर्स आर मे बी पार्ट ऑफ यूनरी ऑपरेटर्स और मे बी पार्ट ऑफ बाइनरी ऑपरेटर्स। नेक्स्ट वन, नॉट, लॉजिकल नॉट, वंस कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट एंड साइज ऑफ, साइज ऑफ कीवर्ड है, फिर इसको कंसीडर करेंगे एज अ ऑपरेटर्स। एंड फाइनली टाइप कास्ट ऑपरेटर, फाइनली टाइप कास्ट ऑपरेटर, दीज आर ऑल आर यूनरी ऑपरेटर इन सी। वन मोर केस, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इज ऑल्सो यूनरी ऑपरेटर्स इन सी। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर मोस्टली आप चेक यूज करते हैं इन केस ऑफ सी प्लस प्लस, लेकिन इसको सी में भी यूज करना पॉसिबल है। फर्स्ट प्रायोरिटी डॉट एंड एरो, नेक्स्ट वन एरे इंडेक्स, नेक्स्ट वन ऑल यूनरी ऑपरेटर, नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी टेकन बाय बाइनरी अर्थमेटिक्स। बाइनरी अर्थमेटिक की केस बात करें, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड मॉड्यूलो हैविंग सेम प्रायोरिटी, प्लस एंड माइनस हैविंग सेम प्रायोरिटी। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी टेकन बाय शिफ्टिंग ऑपरेटर, बिटवाइज राइट शिफ्टिंग और बिटवाइज लेफ्ट शिफ्टिंग। आफ्टर दैट नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी टेकन बाय रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन, लेस देन इक्वल। नेक्स्ट वन इक्वल इक्वल एंड नॉट इक्वल, इक्वल इक्वल एंड नॉट इक्वल। नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी टेकन बाय रिमेनिंग बिटवाइज ऑपरेटर्स, रिमेनिंग बिटवाइज ऑपरेटर्स मीन्स बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्स और, नेक्स्ट वन बिटवाइज एक्स और, आफ्टर दैट बिटवाइज और, लॉजिकल एंड, एंड लॉजिकल और, आफ्टर दैट कंडीशनल। कंडीशनल का टाइप क्या है, टर्नरी, लेकिन इसका प्रायोरिटी असाइनमेंट है, बाइनरी असाइनमेंट से ज़्यादा है। नेक्स्ट वन असाइनमेंट एंड कंपाउंड असाइनमेंट, एट द रेट मे बी रिप्लेस्ड बाय, वेयर एट द रेट मे बी रिप्लेस्ड बाई
at the rate, will be replaced by or can be replaced. Replaced by either arithmetic operator or bitwise operator. Either arithmetic or bitwise. इसके place पर use क्या करें? Either arithmetic or bitwise operator. Finally, least priority operator in C is comma. Comma का priority सबसे कम है. Like that. Comma is nothing but simply comma. इस just अभी मैंने highlight किया only priority table. मैं जब भी कोई expression solve करें तो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑपरेटर सॉल्व करोगे सबसे पहले, देन लीस्ट प्रायोरिटी. ये सबसे पहले अप्लाई क्या करें, प्रायोरिटी रूल्स. अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर सेम प्रायोरिटी ऑपरेटर फाइंड आउट हो रहा है, देन सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी, देन लीस्ट. अगर सेम प्रायोरिटी ऑपरेटर, देन अप्लाई करेंगे एसोसिएटिविटी रूल, आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. देन नेक्स्ट वन में हाईलाइट कर रहा हूँ. इन दैट केस हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका, डॉट एंड एरो. नेक्स्ट हाईएस्ट स्क्रिप्ट, नेक्स्ट हाईएस्ट, नेक्स्ट 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. प्रायोरिटी के बेसिस पर टोटली ऑपरेटर कितनी कैटेगरी डिवाइड हुए, 16 कैटेगरी. नेक्स्ट वन, अगर ऑपरेशनल वाइज बात करें तो ऑपरेशनल वाइज ऑपरेटर्स की कैटेगरी क्या होंगे. नेक्स्ट में डिवाइड करूँ बेस्ड ऑन ऑपरेशनल वाइज. ऑपरेशनल वाइज हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका हुआ, अर्थमेटिक ऑपरेटर. हाईएस्ट प्रायोरिटी इज टेकन बाई अर्थमेटिक ऑपरेटर, देन बिटवाइज शिफ्टिंग ऑपरेटर. बिटवाइज शिफ्टिंग ऑपरेटर, शिफ्टिंग के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट किसका है, बिटवाइज शिफ्टिंग. आफ्टर दैट रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट इज टेकन बाय रिमेनिंग बिटवाइज ऑपरेटर्स. नेक्स्ट वन बिटवाइज के बाद जस्ट लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल के जस्ट बाद नेक्स्ट हाईएस्ट किसका है, नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी आफ्टर लॉजिकल कंडीशनल ऑपरेटर. कंडीशनल के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर आफ्टर असाइनमेंट फाइनली कॉमा ऑपरेटर. इस लिस्ट को याद रखोगे, इस कैटेगरी वाइज भी याद रखना पॉसिबल. नेक्स्ट में सारे ऑपरेटर हाईलाइट कर रहा हूँ कैटेगरी वाइज, वन बाई वन. प्लीज नोट डाउन दिस, रिमेम्बरिंग दिस प्रायोरिटी टेबल्स.